हेलो दोस्तों, मंसूर ब्रिटिश में आपका फिर से स्वागत है। मैं जावद मंसूरी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज आपके लिए मैंने ट्रैक की है डायलॉग टीवी 45 इंच, जो कि लंका पे चला गया है अभी, और इसका सिग्नल थोड़ा वीक हो गया है। पहले ये 2 फीट पर आराम से ट्रैक हो जाता, पर अब दोस्तों अब इसको कम से कम एमपी में ट्रैक करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 फीट डिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फीट पर ये नहीं होगा। अगर एमपी से ऊपर है तो आपको 4.5 फीट का 5 फीट का डिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको एलएमबी उसकी दिखा देता हूँ और इसके आपको स्ट्रॉन्ग टीपी दिखा देता हूँ। सबसे पहले एलएमबी उसके इस तरह से रहेगा, क्योंकि डायलॉग इस तरफ आएगा उस तरफ नहीं आएगा, तो एलएमबी इस तरह से रहेगी। करीब 4:30 से 5 बजे करीब आपको एलएमबी रखना है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी देता था, और जो 42 से 42 से थोड़ा सा ऊपर और हल्का सा डिश को आपको लेफ्ट की तरफ लेना है, तो आपका 45 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। मैं आपको इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी दिखा देता हूँ। ये इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है दोस्तों, देख लीजिए। 41% सिग्नल आ रहा है हमारे, और यही वायर है, ये इस एल एम बी से आ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग टी पी एस की 11,515 23,700 वर्टिकल पे ये टी पी आराम से ट्रैक हो जाएगी, और 45 इंच आराम से मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको एम पी जी 4 बॉक्स में दिखा देता हूँ हमें कितने चैनल मिले हैं। दोस्तों, जो चैनल बनाए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको बता दूँ कि हमें 45 पे कितने चैनल मिले हैं। तो पहले तो हम 45 डिग्री ईस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ठीक है, ये हमारे 45 है, और जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है 79%। तो स्कैन कर लेते हैं, ब्लाइंड स्कैन कर लेते हैं, ताकि एक्चुअल हमें पता चल जाए कितने चैनल हमें मिले हैं। स्कैनिंग शुरू हो गई दोस्तों, और सभी से मेरी गुजारिश है, जो चैनल नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और ये 45 का लेटेस्ट अपडेट है आपके सामने ही है, जो भी है। सत्ताईस % स्कैनिंग हो चुकी है दोस्तों, और हमें एक भी चैनल नहीं मिला है। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ दोस्तों, ताकि जिससे कि हमें पता चल जाए कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। 52% स्कैनिंग हो चुकी है, 56, 57, देखो पहली टीपी आ चुकी है दोस्तों, 3 टीपी स्कैनिंग हो चुकी है, और हमें 57 चैनल मिल चुके हैं, 4, 5 टीपी, और ये 6 टीपी भी स्कैन हो चुकी है। 133 चैनल टोटल हमें मिले हैं दोस्तों इस सैटेलाइट पे, जो कि पूरा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, 6 टीपी के सिग्नल हमें मिल चुके हैं। अब मैं आपको चैनल लिस्ट दिखा देता हूँ। पहले तो सैटेलाइट जो है हमारी डायलॉग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ऑल चैनल आ चुके हैं, जितने भी इसमें चैनल है दोस्तों वो सारे आ चुके हैं, एक भी चैनल बचा नहीं है। इसमें हमें एक ही चैनल FTA मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये A+ TV है, कार्टून का चैनल है, जो ये चलता रहता है FTA, और हमें टोटल जो चैनल मिले हैं दोस्तों इस पर वो मैं आपको बता देता हूँ। और दिन रात किसी टाइम ट्रैक कर लीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं ट्रैक करने में। 133 बराबर चैनल है इस पर, 133 हमें चैनल टोटल मिल चुके हैं, और बाकी के चैनल तो सब पेड है, एक भी नहीं चल रहा है। और आपको वैसे तो आप लोग समझदार हैं, ये बात आप जानते हैं कि कैसे क्या होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ये चीज़। बाकी हमें एक चैनल FTA मिला है, तो अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी से ट्रैक हो जाएगी। पहले आप या तो 42 सेट कर लीजिए, और 42 से थोड़ा सा लेफ्ट में लेके इसे ट्रैक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग TP मैं आपको बता देता हूँ इसकी, वैसे तो मैंने उसमें बता दी, उसके बाद भी यहाँ भी बता देता हूँ आपको TP स्ट्रॉन्ग कि स्ट्रॉन्ग TP इसमें कौन सी है। तो इसमें सारे TP पे सिग्नल आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई एक TP पे आ रहा है, बाकी जो इसकी मेन स्ट्रॉन्ग TP है मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि ट्रैक होने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जो TP है दोस्तों, ये इसकी स्ट्रॉन्ग TP है, 11,115 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी रख लीजिए, दोनों पर हो जाएगी, 15,112 हॉरिजॉन्टल, 23,700, ये इसकी TP स्ट्रॉन्ग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।